हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। क्या आप लोग भी सीओसी खेलते खेलते बोर हो गए हैं? क्या आप सीओसी गेम्स बहुत ही पहले से खेलते आ रहे हैं और अब आपको मजा नहीं आ रहा है उसमें? तो चलते हैं, हम आप लोग के लिए एक न्यू गेम्स लेके आए हैं जो कि क्लैश ऑफ ज़ॉम्बीज 2 है, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है। सेम टू सेम एकदम सीओसी की तरह ये गेम्स हैं। तो चलिए चलते हैं, जल्दी से गेम्स को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये गेम्स कितना मजेदार होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग सर्वर को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सर्वर पे जाके हम लोग बहुत सारे सर्वर यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आयरन वारलॉर्ड पे चलेंगे। ये हम लोग अपना एक सर्वर सिलेक्ट कर लिए, अब यहाँ से हम लोग प्ले करते हैं। ये भाई गेम्स एकदम से क्लैश ऑफ क्लांस की तरह भाई, जैसे कि क्लैश ऑफ क्लांस में हम लोग खुद का क्लैन बना सकते हैं, दूसरे क्लैन पर अटैक कर सकते हैं, इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्लैन वार लीग है। देखते हैं ये गेम्स कैसे मजेदार होने वाला है। ये देख रहे हैं भाई, एकदम से क्लैश ऑफ क्लांस की तरह। ये जिस तरीके से क्लैश ऑफ क्लांस में बेस आता है उसी तरीके से यहाँ पर आया है, लेकिन कुछ चीजों को यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर ये जो ड्रैगन टाइप का है ये बॉस है, ये देखिए है ना, एकदम से खतरनाक वाला बॉस। इसे हम लोग को अटैक करने पड़ेंगे। हम लोग के पास अभी 5 कार्ड अवेलेबल है, अभी तो फिलहाल ये सिर्फ डेमो है, आगे चल के बहुत ही मजा आने वाला है। आगे तो हम लोग यहाँ से अपने हीरोज को छोड़ देते हैं और ये फाइट करा के गेम्स को द एंड करते हैं। ये एबिलिटी यूज लेने के लिए कह रहा है, तो हम लोग यहाँ से एबिलिटी यूज लेंगे। यो, एक एबिलिटीज में इतना खतरनाक, ये देखते हैं, ये बड़ा वाला एबिलिटीज लग रहा है कुछ भाई। ये कौन सा है? नाइस, ये देखा भाई, एक बार में एकदम सारा का सारा बेस डैमेज हो गया। ऐसे तो हम लोग ये सारा का सारा एबिलिटी यूज लेंगे तो एकदम से बेस का द एंड हो जाएगा तुरंत ही। ये देख रहे हैं, अभी तो एक हीरो हम लोग छोड़े भी नहीं अपना, तब भी एकदम से हम लोग बेस का द एंड कर दिए। अभी तो हम लोग को सिर्फ दिखाया जा रहा था, यहाँ पर हम लोग आ गए अपने बेस पर। ये बेस में हम लोग क्लैश ऑफ क्लांस की तरह सब कुछ कर सकते हैं भाई। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर शॉप में जाके कुछ रिसोर्स बिल्डिंग अनलॉक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर गोल्ड माइन को हम लोग अनलॉक कर देंगे। ये लो, जैसे क्लैश ऑफ क्लांस में गोल्ड माइन होता है, जस्ट उसी तरह यहाँ पर भी गोल्ड माइन है। इसको हम लोग यहाँ से फिनिश्ड कर देंगे। अब यहाँ से दोबारा से हम लोग डिफेंस बिल्डिंग ला सकते हैं जो कि कैनन है। जैसे क्लैश ऑफ क्लांस में कैनन होता है, वैसे यहाँ पर भी कैनन भाई, मजा आ जाएगा गेम्स खेल के एकदम से। इसको भी हम लोग यहाँ से फिनिश्ड कर देते हैं। ये अपना डिफेंस है, द स्मेल ऑफ हुमन। हो है क्या ये, देखते हैं आगे। अच्छा, ये अटैक करने का तरीका हम लोग को बताएगा कि कैसे अपना कैनन अटैक करेगा इनके ऊपर। ठीक है, अपने दो हीरोज हैं वो भी आ गए इनके सामने। ये लो, ये तो फिनिश्ड कर दिए। अब यहाँ से कुछ और न्यू चीज़ें अनलॉक हुआ, देखते हैं वो क्या है। वैसे यहाँ पर हीरो शो हो रहा है, हमारे पास अभी 2 हीरोज़ हैं, 30 हीरोज़ हम लोग इसमें और भर सकते हैं भाई। नाइस, वैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग जेम्स देंगे तैसे तैसे ये वाले भी स्लॉट खाली होते जाएंगे। यहाँ पर भी हम लोग हीरोज़ ला सकते हैं भाई। कितने हैं? बहुत सारे हैं, देख लेते हैं कितने हैं। 170 स्लॉट है भाई। अभी तो हम लोग अनलॉक नहीं करेंगे ये सभी को। यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोग को दिखाया जा रहा है, वहाँ पर चलते हैं। ये क्या है? विशिंग पूल, अजीब है ये, हमें लग रहा है, देखते हैं ये है क्या। नाइस, इसमें से हम लोग को एक कार्ड मिला जो कि इसका नेम है इचिंगो। इसको हम लोग शेयर करेंगे तो 50 डायमंड हम लोग को मिलेगा, लेकिन हम लोग शेयर नहीं करने जाएंगे। ओके पर क्लिक करते हैं और यहाँ से भी ओके करेंगे, हम लोग अगेन नहीं प्रेस करेंगे। अब यहाँ से हम लोग कट करके बैक कर लेते हैं, देखते हैं अब क्या हुआ अपने साथ। ये यहाँ पर हीरोज़ हॉल है, जैसे सीओसी में हम लोग हीरोज़ को लाते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर लग रहा है हीरोज़ हॉल है, और इस पर हम लोग को अपने हीरो को बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग हीरो को सिलेक्ट कर लेंगे, यही वाला अपना हीरोज़ है जो हम लोग अभी अनलॉक किए हैं, इसको हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब बैक कर लेते हैं। अब ये हुई ना बात, अब तो ठीक है। अब यहाँ पर अटैक के लिए दिखा रहा है, हम लोग को अटैक करने हैं। और यहाँ पर ये देख रहे हैं ट्री स्ट्रंक बूस्ट भाई, एकदम से सीओसी की तरह। ये सभी को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अभी रिमूव नहीं कर सकते, अभी तो अटैक के लिए दिखा रहा है। तो हम लोग चलते हैं, जल्दी से अटैक करते हैं। यहाँ पर अटैक करने हैं, चैलेंज। ये हीरोज़ को कैसे छोड़ना है ये भी दिखा रहा है हम लोग को, तो हम लोग हीरोज़ को छोड़ते हैं जैसे ये दिखा रहा है। वैसे एक हीरोज़ को हम लोग यहाँ से भी भेज देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ से भी जाके अपने हीरोज़ अटैक कर सकते हैं। एबिलिटीज यूज़ लेते हैं। वो एक लेकिन मजेदार बात लगा ना, इनका एबिलिटीज बहुत ही अच्छा, इनका एबिलिटीज है। ये लो भाई, अपना 3 स्टार हो गया। अब देखते हैं ये चेस्ट को ओपन करते हैं, इसमें क्या मिलता है। वैसे ठीक है, कुछ गोल्ड मिला है, जेम्स मिला है हम लोगों को, और एक्सपी चिप है कुछ, ये सभी सामान हम लोगों को मिला है। अब देखते हैं भाई, वैसे ये दोबारा से वही पर शिफ्ट कर रहा है अपने कार्ड के पास, तो देखते हैं। यहाँ पर टच करते हैं, क्या है? अच्छा, ये एक्सपी इनको देना है, लग रहा है कि इनको मैक्स करने हैं। ये हुआ ना, लेवल 12 का हो गया ये, वेरी गुड। और भी कुछ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कट करने के लिए कह रहा है तो हम लोग कट कर देते हैं, और भी कुछ नहीं करेंगे। अब ठीक है, लग रहा है कि अपने टीएच को अपग्रेड के लिए कह रहा है ये,
अपग्रेड कर लेते हैं अपने टीएच को, फिनिश्ड। ये लो भाई लेवल 2 का अपना टीएच हो गया। अब यहाँ पर भी कुछ और ऑप्शन निकल के आ गया, देखते हैं ये क्या ऑप्शन है। अच्छा, ये लग रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इवेंट्स कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे जैसे खेलते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग को क्लेम करने के लिए मिलता जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्लेम कर लेते हैं इसको। ये गोल्ड मिला हम लोग को, और यहाँ पर क्या मिला, वैसे बहुत सारे गोल्ड मिले। पावर स्टोन 30 मिला हम लोग को। रीनेम, यहाँ पर हमें लग रहा है कि अपना नाम हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग अपना नाम लिख देते हैं। जैसे कि सीओसी में हम लोग गेम्स का नाम देते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर भी अपना नाम दे सकते हैं। YPGAMING गेमिंग, ये कन्फर्म कर लेते हैं। फ्री टू एडिट, अभी तो ये फ्री का एडिट हो जा रहा है, लेकिन आगे चल के इनके लिए जेम्स लेंगे लग रहा है। ये क्लेम कर लेते हैं, 50 जेम्स हम लोग को मिल गया भाई। इसको कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से बैक कर लेते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं ये भी अनलॉक होके आ गया। ये इवेंट्स टाइप का कुछ है, जैसे कि इवेंट्स यहाँ पर चलता रहेगा तो यहाँ पर शो होगा। डेज 7 लॉग इन, 7 डेज तक हम लोग लॉग इन करेंगे तो लग रहा है हम लोग को एक एक से न्यू आइटम्स मिलता रहेगा। तो अभी तो 1 डेज है, तो फिलहाल अभी हम लोग को कोई आइटम्स नहीं मिला। यहाँ पर हम लोग क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग लग रहा है लॉगिन किए ना, तो टुडे लॉगिन का हम लोग को 10th कुछ ये स्पीडर मिला 5 मिनट्स के लिए, जिसको हम लोग लग रहा है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से बैक करते हैं हम लोग, और फिर दोबारा से वार खेलने के लिए ये लोग कह रहे हैं, तो हम लोग वार खेल ही लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास 2 बिल्डर भी आ गए हैं, जिससे कि हम लोग वर्क करा सकते हैं। ये बिल्डर यहाँ पर मशीन टाइप का है, देखते हैं इससे क्या वर्क कराने हैं। ये गोल्ड स्टोरेज को हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। नाइस, एक भी जेम्स नहीं लगा और अपना गोल्ड स्टोर अपग्रेड हो गया। दोबारा से यहाँ से अपग्रेड कराते हैं, क्या बात है, फिनिश्ड भी कर दे रहे हैं हम लोग। ये कैनन है, कैनन को भी हम लोग अपग्रेड करते हैं। नाइस, वैसे देख रहे हैं बड़ा ही मज़ा आ रहा है ना, एकदम से सीओसी की तरह ये गेम्स है। ये ट्रीज को भी यहाँ से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, और ये स्टोन है, स्टोन को भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए जेम्स देना पड़ेगा, क्योंकि अपने सारे बिल्डर वर्क कर रहे हैं ना। ये लो भाई 2 जेम्स तो वैसे खुद मिल गया हमें, 1 जेम्स और। नाइस, यहाँ से ये छोटा वाला ट्रीज को भी हम लोग हटा देते हैं। अपने बेस पर हम लोग सफाई किए रहेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, देखने में सुंदर भी लगेगा और मज़ा भी आएगा खेलने में। ये लो 2 जेम्स और मिल गया हम लोगों को। यहाँ से हम लोग दोबारा से अटैक करेंगे, देखते हैं होता क्या है। सही है भाई, ये एबिलिटीज यूज़ लेंगे हम लोग, उतना खास एबिलिटीज नहीं है। इनके लेवल को हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ना, वैसे वैसे इनका एबिलिटीज भी और भी अधिक होता जाएगा, जो कि ज़्यादा मज़ा आएगा खेलने में, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में किए थे। यहाँ पर हीरोज़ को चेंज करने के लिए कह रहे हैं क्या, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोग स्किल पावर को बढ़ाएंगे, ये हुआ ना, और भी स्किल पावर को बढ़ा दें। ये लो भाई, और भी स्किल पावर को हम लोग बढ़ा दिए। अब यहाँ से आगे तो हम लोग बैक करते हैं, और दोबारा से अटैक के लिए कह रहा है। आगे तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग को और क्या करने हैं, तब जाके हम लोग अटैक पर चलेंगे। अभी अपने 2 बिल्डर बैठे हैं, दोबारा से इनसे थोड़ा वर्क कराते हैं। ये मेडिकल किट है भाई, ये देखिए ये कुछ न्यू है ना, सीओसी से हट के है थोड़ा। इसको भी यहाँ से हम लोग रिमूव करते हैं, देखते हैं ये क्या देता है हम लोगों को। और भी ये सब बड़े बड़े ट्रीज है ना, इसको भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि अपना बेस देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा और मज़ा आएगा खेलने में। वैसे देख लेते हैं और क्या क्या लाकर हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। पावर स्टोन 3 मिला हम लोगों को, नाइस। ये जो हम लोग मेडिकल किट हटाए तो हम लोग को पावर स्टोन 3 मिला। ये ट्रीज को भी हम लोग हटा देंगे, तब तक यहाँ से देख लेते हैं और भी कुछ ला के हम लोग लगा सकते हैं। ये स्नाइपर टावर है, इसको भी लाकर हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखिए 6 जेम्स हम लोग को और मिल गए भाई। वैसे हम लोग इसको साथ में खेलेंगे तो और भी मज़ा आएगा खेलने में। अब हम लोग के पास गोल्ड नहीं है, चल लेते हैं हम लोग लूट करते हैं। वैसे ये तो ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन दिखा रहा है, हम लोग यहाँ से तो अटैक कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर भी अटैक कर सकते हैं। ये वाला जो दिख रहा है आप लोगों को, ये है ना टिप्स, आर यू श्योर टू रेड नाउ, यू विल लॉस शील्ड इफ़ यू स्टार्ट अ रेड। यहाँ से हम लोग रेड भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बड़े ही मज़े वाली बात है भाई। ये देखिए आ गया ना एकदम सीओसी की तरह बेस, अब मज़ा आएगा इस पर हम लोग को अटैक करके। और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्लास ऑफ क्लांस में करते हैं, जो हम लोग को बेस अच्छा नहीं लगता है, जहाँ पे लूट कम मिलता है, उसको हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर लूट अवेलेबल देखिए हम लोग क्या क्या लूट कर सकते हैं। 1350 गोल्ड लूट कर सकते हैं, और 26 हम लोग कप अर्न कर सकते हैं। तो यहीं पर हम लोग अटैक करेंगे, अपने दोनों हीरोज़ को हम लोग छोड़ देते हैं यहाँ से, देखते हैं 3 स्टार हो पाता है कि नहीं। भाई एकदम सीओसी है भाई, मज़ा आ जाएगा। आप लोग कहेंगे तो इसका लाइव स्ट्रीम भी हम लोग करेंगे। लाइव स्ट्रीम में आप लोग को साथ में खेलना रहेगा तो ज़रूर से बताइएगा कमेंट करके। एबिलिटीज यूज़ करके हम लोग जल्दी जल्दी एकदम से फिनिश करते हैं, और दोबारा से हम लोग एबिलिटीज लेंगे। ये एक विल्डर है, इनका विल्डर ये देख रहे हैं एकदम से मशीन टाइप का है, एकदम से पूरा गेम से ही मशीन टाइप का है ना। वहाँ पर अटैक के लिए कह रहा है हम लोगों को, लेकिन अभी हम लोग अटैक नहीं करेंगे। 2 बिल्डर अपने फ्री बैठे हैं, इनसे आगे हम लोग थोड़ा वर्क कराते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या दिख रहा है, कुछ यहाँ पर लग रहा है
अच्छा, हम लोग गोल्ड से भी इसको स्पिन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग गोल्ड से इसको स्पिन करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा कार्ड मिलेगा हम लोगों को। नाइस, हम लोग को एक्सपी मिला है, कुछ कार्ड नहीं है। दोबारा से हम लोग स्पिन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग का गोल्ड सारा का सारा चला जाएगा। और यहाँ पर एक और फ्री का स्पिन के लिए दिखा रहा है, तो हम लोग दोबारा से यहाँ पर फ्री का स्पिन करते हैं, देखते हैं इस बार क्या मिलता है। नाइस, स्पाइडरमैन आ गया भाई, क्या ही बात है स्पाइडरमैन, अब तो मजा आ जाएगा। स्पाइडरमैन से हम लोग अटैक कराएंगे, लेकिन अभी हम लोग स्पाइडरमैन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग के पास ना जो हीरोज हॉल है सिर्फ दो ही है, हम लोग को एक और हीरोज हॉल लाना पड़ेगा तभी हम लोग स्पाइडरमैन का यूज कर सकते हैं। तो शॉप में जाके हम लोग देख लेते हैं और भी एक ला सकते हैं हीरोज हॉल। हाँ, ये देखा ना, एक अवेलेबल और है, तो ये वाले हीरोज हॉल को हम लोग लेकर चलते हैं, यहाँ पर सेट कर देंगे। फिनिश होने में टाइम लग रहा है थोड़ा, लेकिन देखते हैं फ्री का फिनिश्ड हो जा रहा है, तो हम लोग फ्री का फिनिश्ड कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग अपने हीरोज को बिठा लेते हैं भाई, ये अपने स्पाइडरमैन को, ये देखा ना कितना खतरनाक लग रहा है भाई, मजा आ जाएगा एकदम से गेम्स खेल के। और यहाँ पे ये HP दिखा रहा है, इनका लेवल दिखा रहा है और बहुत कुछ दिखा रहा है, अभी लेवल 1 का है ये। अभी के लिए फिलहाल हम लोग इसी को यूज लेते हैं, स्पाइडरमैन को हम लोग यूज लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट हीरो करके स्पाइडरमैन, ये लो यहाँ पर देख रहे हैं अपना स्पाइडरमैन शो होने लगा, बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, जब इससे अटैक कराया जाएगा ना तो और मजा आएगा देखने में। चला जाए अटैक कराने के लिए, क्या चलते हैं अटैक कराते हैं अपने स्पाइडरमैन से भी भाई। वैसे सबका फेवरेट स्पाइडरमैन रहा, आगे तो स्पाइडरमैन को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसका लेवल बहुत ही कम है। ये सभी हीरोज को छोड़ते हैं और भाई स्पाइडरमैन को देखिए क्या छोड़ रहा है ये, जब इसके स्किल और एबिलिटीज को हम लोग और बढ़ा देंगे तब तो और भी मजा आएगा भाई। हमें तो लग रहा है ये सीधा जंप करके बेस के अंदर चला जाएगा, जाके सारे के सारे एक बार में डैमेज करके आएगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ठीक है। तब भी इसका लेवल कुछ कम नहीं है भाई, एबिलिटीज यूज लेते हैं सारा के सारे का। वैसे एबिलिटी यूज लिए जैसे ही वैसे हम लोग मैच विन कर गए। दोबारा से ये अटैक के लिए कह रहा है तो हम लोग दोबारा से अटैक कर लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग सारे हीरोज को भेज देंगे। वैसे अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्लान नहीं रेडी किए ना, अब हम लोग चलेंगे जल्दी से देखेंगे कि हम लोग COC की तरह क्लान कैसे इसमें रेडी कर सकते हैं, तभी तो हम लोग सभी प्लेयर मिलकर खेल पाएंगे भाई, नहीं तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा खेलने में। वैसे मज़ा तब आएगा जब फ्रेंडली चैलेंज रहेगा इसमें, तब ज़्यादा मज़ा आएगा ना। आई होप कि इसमें होगा भाई, 100% श्योर कि इसमें होगा फ्रेंडली चैलेंज। ये देखा ना 3 स्टार हो गया, अब देख लेते हैं अपना लीग हम लोग कैसे इसमें बना सकते हैं। तो यहाँ पे शो हो रहा है, ये वर्ल्ड शो हो रहा है, यहाँ पर सारे मैसेज कर सकते हैं। ओपन लीग चैट रूम आफ्टर विल्ड लीग हॉल, वैसे लीग हॉल को हम लोग को विल्ड करना पड़ेगा तब जाके हम लोग इसको अनलॉक कर पाएंगे। तो देखते हैं अपना विल्ड हॉल अनलॉक है, नहीं भाई यही है ना, ये लीग हॉल है अपना, इसके लिए अपने बेस को लेवल 3 का करना पड़ेगा। तो देखते हैं फटाफट से अपने बेस को लेवल 3 का कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 जेम्स से इसको फिनिश्ड भी कर देंगे। नाइस, ये हो गया लेवल 3 का अपना हाल, और यहाँ से हम लोग ये लीग हॉल को ला के यहाँ पे सेट कर देंगे और इसको हम लोग जल्दी से फिनिश्ड कर देंगे। अब देखते हैं क्या क्या चीजें अनलॉक हुआ इसमें, क्या बात है। ज्वाइन अ लीग, क्रिएट और सर्च, तो हम लोग क्रिएट पर क्लिक करके एक लीग क्रिएट करेंगे जो कि अपना खुद का नाम देंगे हम लोग, YP स्पेस देके गेमिंग, ये हो गया ना। और यहाँ पे नोटिस में हम लोग कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, जैसे कि क्लास ऑफ क्लांस में डिस्क्रिप्शन रहता है उसी तरह यहाँ पर नोटिस है। स्टेटस हम लोग एनीवन रखेंगे, पावर रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं रहेगा, लैंग्वेज रहेगा अपना इंग्लिश, और लीग फ्लैग को हम लोग यहाँ से चेंज करके येल्लो कर देंगे क्योंकि येल्लो तो फेवरेट है भाई अपना। और यहाँ पर देख रहे हैं रेडी करने के लिए 200 जेम्स देने पड़ेंगे हम लोगों को, तो रेडी करने के लिए हम लोग 200 जेम्स यहाँ से देते हैं। ये लो भाई, ये अपना क्लान सक्सेसफुली रेडी हो गया जो कि लीग के नेम से है। यहाँ पे लीग इन्फो, लीग आईडी अपना है 42859, जिसको ज्वाइन करना रहेगा जरूर से ज्वाइन करके खेलेगा। मेंबर हैं सिर्फ हम, वैसे मेंबर यहाँ पर कोई नहीं है। टोटल पॉइंट्स है 0, विक्ट्री है 0, टाइप एनीवन, पावर रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं। यहाँ पर लीडर हम खुद हैं, अभी कोई नहीं ज्वाइन है जिसकी वजह से कोई शो नहीं हो रहा है। 50 मेंबर ज्वाइन हो सकते हैं जैसे कि COC के क्लान में होता है। तो ये तो अपना लीग रेडी हो गया, यहाँ से भी हम लोग अपने लीग को देख सकते हैं, यहाँ पे इन्फो पे टैप करके इन्फो यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक नोटिस डिटेल टाइप का है, यहाँ पर हम लोग 100 जेम्स देंगे ना तो ये पब्लिश्ड हो जाएगा अपना क्लान, तो इसको हम लोग थोड़ा पब्लिश्ड कर देते हैं यहाँ पर, जिससे कि जो भी प्लेयर खेलने वाला रहेगा वो ज्वाइन हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग मैसेज भी कर सकते हैं सीधा अपने क्लान मेंबर को, जो भी क्लान मेंबर अपना रहेगा। ये देखा ना, हम लोग मैसेज कर दिए, वहाँ पे मैसेज पहुँच गया भाई। वैसे जो ज्वाइन रहता है तो वो देख लेता अपना मैसेज भी। ये लेवल 3 का तो हम लोग कर दिए और यहाँ से हम लोग का क्लान भी रेडी हो गया। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए ये क्या है, ये माइन हो रहा है। टाइम टू टाइम हम लोग को यहाँ से रिवार्ड भी मिलते रहेंगे, तो हम लोग ये रिवार्ड को कलेक्ट कर ले रहे हैं। इस टाइम तो फिलहाल 5000 हम लोग को गोल्ड मिल गया, नाइस, बिना कुछ किए।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम लोग अरेना भी रेडी कर सकते हैं भाई, और अरेना पर जाकर अटैक करके बहुत ही अच्छे अच्छे लूट कलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो चल लेते हैं हम लोग एक और यहाँ पर अटैक कर लेते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ पर बॉस भी आते हैं खतरनाक खतरनाक, जिससे कि हम लोग को फाइट करने पड़ेंगे। यहाँ से अपने हीरोज़ को हम लोग छोड़ते हैं। वैसे भी हमारे स्पाइडरमैन का पावर थोड़ा लो है, तो थोड़ा ध्यान से उसको देखकर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसका किल हो जाएगा भाई। ये लो, हम लोग अपने स्पाइडरमैन का एबिलिटी यूज़ नहीं है, लेकिन इस टाइम अभी कोई खास एबिलिटीज उसका दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी उसका पावर ना थोड़ा लो है। जैसे जैसे हम लोग पावर बढ़ाएंगे तैसे तैसे हम लोग को और भी मज़ा आएगा। ये 3 स्टार तो हम लोग फिलहाल थोड़ा जल्दी ही कर लें, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं अपने ऊपर अटैक भी हो रहा है तगड़े तरीके से, जॉम्बीज सारे के सारे अटैक कर रहे हैं। टेंशन वाली बात नहीं, हमारा स्पाइडरमैन मार दिया भाई। ये जल्दी से हम लोग एबिलिटी यूज़ लेके एकदम से द एंड करते हैं गेम को। ओपन चेस्ट में देख लेते हैं क्या क्या मिला हम लोगों को। वैसे कुछ खास नहीं है, एक्सपी है, गोल्ड है और एक्सपी चीप। और यहाँ पे देख रहे हैं रिसोर्स रेड, जो हम लोग यहाँ पर गेम्स खेले थे, 26 हम लोग का ट्रॉफीज भी हो गया है, और ये सभी हम लोग को गिफ्ट भी मिल रहा है भाई। ये जैसे हम लोग 10 स्टार यहाँ पर भी कलेक्ट करेंगे ना, तो ये वाला भी अनलॉक हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग फिलहाल उसको तो बाद ही में कंप्लीट करेंगे, आगे देख लेते हैं और क्या कर सकते हैं। अपना गोल्ड स्टोरेज फुल हो गया है, आगे गोल्ड स्टोरेज को थोड़ा अपग्रेड करते हैं। अब यहाँ से हम लोग गोल्ड भी कलेक्ट कर सकते हैं। जब फुल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कहाँ से गोल्ड कलेक्ट होगा। यहाँ से हम लोग अपने कैरेक्टर को चेंज भी कर सकते हैं, हम लोग स्पाइडरमैन भी बन सकते हैं भाई, और अवतार फ्रेम को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए यही रहने देते हैं, आगे चेंज करने के लिए हम लोग को और भी लेवल कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो अभी तो हम लोग लेवल कंप्लीट करने से है नहीं। ये ट्रीज को भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और देख लेते हैं और क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है, ये डेली का कुछ अचीवमेंट्स है। ये देखा ना, जैसे जैसे हम लोग अचीवमेंट्स कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे हम लोग को बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, तो यहाँ से ये सभी आइटम्स को हम लोग कलेक्ट करते रहेंगे। आई होप कि आगे चल के ये सभी हटा दें ये लोग, क्योंकि अभी न्यू गेम्स है ना, जिसकी वजह से अभी ये लोग हटाए नहीं है ये सभी चीज़ों को। बहुत सारे भर भर के हम लोग को रिवार्ड मिल रहा है। अभी हम लोग खेलना स्टार्ट कर दें ये गेम्स को तो मज़ा आ जाएगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अरेना अभी नहीं दिखा ना, हम लोग चलते हैं अरेना का प्लानिंग करते हैं, देखते हैं अरेना कैसे दिखेगा। तो शॉप पर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर देख रहे हैं अरेना हम लोग को रेडी करने के लिए ना लेवल 4 तक जाना पड़ेगा। तो लेवल 4 तक जाने के लिए हम लोग को TH को लेवल 4 करना पड़ेगा भाई। इसको हम लोग यहाँ से अपग्रेड करते हैं, 31 जेम्स लगेगा हम लोगों का, 31 जेम्स हम लोग यहाँ से देते हैं भाई। ये हो गया ना अपना कमांडर लेवल 4 हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे और भी पावरफुल होते जाएंगे। यहाँ से हम लोग जाके ये अरेना देखिए अनलॉक हो गया, हीरो अरेना को हम लोग यहाँ पर लाकर शिफ्ट कर देंगे। कुछ टाइम लगेगा ये फिनिश्ड हो जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर टच करके 1 सेकेंड में फिनिश्ड कर दिए। अब दोबारा से हम लोग जाके यहाँ से अरेना स्टार्ट कर सकते हैं। ये सभी बॉस है, ये सभी बॉस से हम लोग अरेना कर सकते हैं। और ऊपर देखिए लूट दिख रहा है, ये सभी लूट हम लोग को मिलेगा जब हम लोग विन करेंगे। तो जब विन नहीं करेंगे तो हम लोग को लूट भी नहीं मिलेगा। तो चलते हैं एक ट्राई करते हैं, देखते हैं हम लोग विन कर पा रहे हैं कि नहीं। वैसे थोड़ा मुश्किल लग रहा है विन करना, लेकिन तब भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। नहीं हो पाएगा भाई, कोई चांस नहीं है। वो लोग का लेवल देखिए और अपना लेवल देखिए, सिर्फ अपना एक हीरो है जिसका 12 लेवल है, नहीं तो दोनों हीरोज़ के 1-1 लेवल है। ऐसे में तो बहुत ही जल्दी हम लोग चल जाएंगे, कुछ नहीं होगा अपने से। उनके एक हीरोज़ का भी हम लोग किल नहीं कर पाए और हमारा तीनों के तीनों हीरोज़ चले गए, जिससे कि हम लोग डिफेक्ट हो गए भाई। इसको हम लोग बैक करते हैं। वैसे टेंशन वाली बात नहीं है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो हम लोग भी एकदम से प्रो होते जाएंगे और पावरफुल होते जाएंगे। हम लोग भी COC की तरह एकदम से खतरनाक अटैक कर सकते हैं। इसमें अपने कार्ड को हम लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं, ताकि ना बार बार जाके हम लोग को सेट नहीं करना पड़े। हम लोग यहीं से सभी हीरोज़ को सेट कर सकते हैं। 3 हीरोज़ को हम लोग तो सेट कर दिए, और यहाँ से हम लोग सेव कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग हीरो हॉल लाते जाएंगे ना, वैसे वैसे यहाँ पर कार्ड और भी बढ़ते जाएंगे, और हम लोग हीरोज़ को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए तो फिलहाल हम लोग के पास 3 हीरो हॉल है, जिसकी वजह से हम लोग 3 कार्ड ही लगा सकते हैं। यहाँ से हम लोग सेव कर लिए। अब हम लोग को दोबारा से जाके वहाँ से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग एक चैलेंज और खेलते हैं, देखते हैं क्या होता है, हम लोग विन करते हैं कि नहीं। एक हीरोज़ को हम लोग यहाँ से सेंड करेंगे और एक हीरोज़ को यहाँ से। ये जो पावरफुल वाला हीरोज है ना, उसको भी हम लोग यहाँ से ही सेंड कर देते हैं। देखते हैं सभी का एबिलिटीज यूज लेके फास्ट हम लोग अटैक करते हैं, होता क्या है, 3 स्टार हो जाएगा कि नहीं। एबिलिटीज यूज लेते हैं हम लोग और फास्ट हम लोग अटैक का दाइंड करते हैं। अभी तो 2 स्टार हो गया अपने पास, 69% डैमेज है, 76% हो गया। दोबारा से हम लोग एबिलिटीज यूज, देखा ना 3 स्टार हो गया बड़े ही आसानी से। हम लोग चेस्ट ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या मिला हम लोगों को। XP मिला और XP चिप मिला और XP, सिर्फ XP मिला है अभी। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से फटाफट से अपने हीरोज़ को थोड़ा अपग्रेड करते हैं।
हम लोग अपना फेवरेट स्पाइडरमैन को अपग्रेड करेंगे भाई। यहाँ से देख रहे हैं ये, इसको हम लोग फुल करते हैं और यूज़ ले लेते हैं सारा का सारा। ये भी हम लोग फुल करते हैं और यूज़ ले लेते हैं, ये भी हम लोग फुल करते हैं और यूज़ ले लेते हैं। और यहाँ से देख रहे हैं क्या बात है, सबसे पावरफुल 23 लेवल का हो गया अपना स्पाइडरमैन। इसी तरह कर करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और गेम्स में बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अपने फ्रेंड के साथ हम लोग चैलेंज भी खेल सकते हैं भाई। सबसे मज़ेदार तो हमें इस गेम्स में यही लगा। और ट्री स्ट्रंक को कलेक्ट करने की बात है तो वो तो कलेक्ट कर ही सकते हैं, है ना। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यदि आप लोग चाहेंगे कि ये गेम्स का हम लोग लाइव स्ट्रीम करें तो आप लोग बताइएगा, हम लोग ज़रूर से ये गेम्स का लाइव स्ट्रीम करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर न्यू रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।